भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज का कार्यक्रम हुआ घोषित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच और वनडे मैच के बाद अब T20 मैच की सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज में 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में BCCI ने अचानक से किया T20 सीरीज का खिलाने का फैसला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला T20 मुकाबला 27 मार्च को खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला T20 मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा T20 मुकाबला 29 मार्च को खेला जाएगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा T20 मुकाबला चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम को 7 बजे शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले T20 मुकाबले शाम को 7 बजे शुरू होंगे और 3 T20 मैच की सीरीज होने वाली है। भारतीय टीम की तरफ से T20 में रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श कप्तानी करते हुए नजर आएंगी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच और वनडे मैच के बाद अब T20 मुकाबले की शुरुआत होने वाली है।